नमस्कार दोस्तों, केके न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, ससुराल में फेरी थाने में वरमाला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ससुराल में हुआ फेरे और थाने में हुआ जयमाला। मंगलवार रात वरमाला के वक्त विवाद होने पर शादी की रस्में निभाए बगैर ही चला गया दूल्हा पुलिस के फोन पर गुरुवार को आ गया। दोनों पक्षों में समझौता होने पर ससुराल में फेरे लिए गए। इसके बाद थाने में वरमाला कार्यक्रम हुआ। उत्तर थाना क्षेत्र में छलकारी नगर निवासी राम अवतार की बेटी पूनम की बारात मंगलवार रात इटावा जिले के वीका गांव में आई थी। वरमाला कार्यक्रम के दौरान बाराती और घरातियों में विवाद हो गया। इस पर दूल्हा बबुल और उसने सर्वजन शादी की अन्य रस्में निभाने बगैर ही चले गए। वर वधु के पक्ष तहरीर पर बुधवार शाम दूल्हा व उसके सर्वजन के खिलाफ दहेज न देने पर शादी न करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के बुलाने पर गुरुवार शाम बबुल, उसका भाई निरपत और बहनोई थाने पर आ गए। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग भी आ गए। शादी करने पर रजमंद हो गए। वधु के पक्ष यहां जाकर शादी की रस्में पूरी कराई गई। शुक्रवार सुबह विदाई के बाद 9 बजे दूल्हा बबुल, दुल्हन पूनम सर्वजन संघ थाने पहुंचे। यहां पर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। यहां बबुल ने सबका मुंह मुठा कराया। इसके बाद नव दंपति अपने नए सफर के लिए चले गए। इंस्पेक्टर उत्तर अनूप कुमार भारती ने बताया कि मंगलवार रात के वाकायदे के लिए दुल्हन ने गलती मान ली थी, शादी की रस्में भी पूरी हो गई थी। अब मुकदमे को खारिज किया जाता है। अब ये अपनी दोनों जिंदगी नए सिरे से शुरू करें।